ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक जी। दोस्तों आज किस वाले में बात करने वाले हैं, सिंपल पे लेवर का पैसा बैंक अकाउंट में निकालने को लेकर। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर इस समय एक ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, मेक माई ट्रिप। आपको बता दें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके जरिए आप लोग अपने बैंक अकाउंट में सिंपल पे लेवर का जो लिमिट मिला है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज इसका पूरा रियलिटी चेक करेंगे, क्या इसके असली सच्चाई है, क्या यहाँ पर पैसे ट्रांसफर होते हैं या नहीं, या फिर क्या यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको सामने अभी आगे वीडियो में मिलेगा। साथ ही में इस वाले वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा गजब का ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग 100% अपने सिंपल पे लेटर का जो पैसा है वो अपने अकाउंट पे निकाल पाएंगे। और ये एकदम लीगल तरीका होने वाला है और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी मदद लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसको पूरा कंप्लीट देखिए। सिंपल पे लेटर का जो भी आपको डाउट रहेगा, जितना भी डाउट रहेगा, सारा चीज़ मैं आपको क्लियर करके इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा कंप्लीट देखिएगा। सिंपल पे लेटर का जो भी लिमिट निकालने का आपका डाउट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग अपना पैसा भी निकाल पाएंगे, जो मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अगर आपका इस वीडियो हेल्प हो जाता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। हम मिलते हैं आपसे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहां पर मार्च अपने फोन की स्क्रीन पर और चलिए मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। तो ये है सिंपल पे लेटर का अकाउंट, इसको ओपन करके सबसे पहले मैं आपको अपनी लिमिट दिखा देता हूँ। तो ऊपर अभी आप देख पा रहे हैं मेरी लिमिट 3600 रुपये शो कर रही है आपको और यहाँ पर अभी 0 रुपये ट्रांजेक्शन में है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ मेक माई ट्रिप के जरिए। तो चलिए हम मेक माई ट्रिप को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या बताया जाता है कि आपको ट्रेन टिकट बुक करना है या फिर फ्लाइट टिकट या फिर बस टिकट, उसके बाद उसको कैंसिल करना और पैसा आपके अकाउंट में आएगा। चलिए आपको पूरा रियलिटी चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ट्रेन एंड बस है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको कहीं से भी कहीं तक का ट्रेन बुक कर लेना होगा या फिर बस बुक कर लेना होगा। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्रेन बुक ट्रेन टिकट्स, उस पर आपको क्लिक करना है और कोई भी आपको डेस्टिनेशन चूज कर लेना, जैसे कि मैंने वाराणसी मुंबई पहले सेलेक्ट कर रखा है और डेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर है। अगर आपको डेट बदलना है तो अच्छा है, आप जो भी आप टिकट बुक करें कम से कम 2 महीने बाद का करें ताकि आपको कैंसिलेशन में जल्दी से वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि आप 2 दिन 1 दिन का करेंगे तो आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सर्च पर क्लिक कर लेते हैं ये सारी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने काफ़ी सारे ट्रेन के टिकट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि आपको जितना रुपए निकालना हो उतने रुपए का आप यहाँ से टिकट परचेस कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 600 वाला जो टिकट है 660 वाला, इसको क्लिक कर लेता हूँ इसको परचेस करने के लिए। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ओके गो अहेड जो लिखा हुआ है आपको राइट साइड में यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको IRCTC यूज़र नेम का भी जरूरत पड़ेगा, आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए। और फिर नीचे आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ट्रेवलर्स डिटेल्स डालनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करके जिसके नाम के भी टिकट बुक करनी है वो कर लीजिए, कोई भी नाम डाल सकते हैं, मेल फीमेल जेंडर यहाँ पर। और यहाँ पर बस आपको नीचे आप सेव पर क्लिक कर देना है ये सारी चीज़ें डालने के बाद। जैसे आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, जैसा कि मेरे आपको पीछे दिखा देता हूँ, मेरा यहाँ पर मैंने सेव कर रखा है प्रदुम, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। मेरा पहले से ही मैंने एक बार ट्राई किया था ये सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट फ्री कैंसिलेशन, ये चीज़ आपको बड़ा यहाँ पर अच्छी चीज़ है, तो आपको ऊपर वाला हमेशा चूज करना है जो आपको दिख रहा है। 113 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 660 में 113 रुपये आपका एक्स्ट्रा कटेगा, लेकिन जब आप इस वाले टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपको 660 पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से नीचे वाला चूज किया था, क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी तो मैंने यहाँ पर नीचे वाला भी चूज किया था कि जो चीज़ क्लियर नहीं है उसके बारे में वीडियो बनाई जाए, तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला चूज किया था, तो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा चार्ज कटा था। आप यहाँ पर अगर करना चाहते हैं टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऊपर वाला करना, वैसे जिसको कैंसिल नहीं करना तो टिकट ही क्यों बुक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला चूज़ कर लिया। अब मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल में मेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है और नीचे जो ऑफर और डिस्काउंट है उस पर क्लिक करके अब नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए हमने क्लिक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कूपन वाला इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए पेमेंट का गेटवे आ गया और यहाँ पर 50 रुपये डिस्काउंट होने के बाद 660 वाला टिकट 647 में मिल रहा है, तो वो चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्काउंट भी यहाँ पर मेंशन है। अब आपको पे एंड बुक वाले पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम पे एंड बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर आपको अब ये पेमेंट वाले गेटवे पे लेकर आ जाएगा और यहाँ पर एक सिंपल सा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बड़ा बड़ा पे लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पे लेटर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप किस किस पे लेटर के लिए एलिजिबल हो, तो आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा पूरा डिटेल खुल गया आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंपल पे लेटर हमारे लिए अवेलेबल है और यहाँ पर इसका जो पेमेंट है वो 15 दिनों के लिए है। बिल ड्यू आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेंशन है 0% इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए हम सिंपल सा इस पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे आप देख पा रहे हैं अमाउंट अब आपको 663 रुपये हो गया है, 16 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज पे हो रहा है अगर आप सिंपल पे लेटर का यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं अब जस्ट ऊपर और उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको देखिए 0 शो हो रहा है, लेकिन ये आपके पे लेटर से कटेगा इसी वजह से हो रहा है, आपको अब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है।
तो चलिए हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जो पैसा है आपके सिंपल पे लेटर से सिंपल सा कट जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही SMS को अलाउ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका देख पा रहे OTP मांगा जा रहा है। OTP आप जैसे ही डालेंगे ये पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP इंटर कर लिया हूँ, और जैसे सबमिट एंड पे 0 वाले पे क्लिक करना है हमको। यहाँ पे क्लिक करते ही अब आपका जो IRCTC का पासवर्ड है वो मांगा जाएगा। पासवर्ड डालेंगे आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ओपन होने देते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड और कैप्चा डाल के कंफर्म बुकिंग पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पासवर्ड और कैप्चा एंटर कर लिया, अब जस्ट हमको कंफर्म बुकिंग वाला जो बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये कंफर्म बुकिंग पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका ये जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुकड हो जाएगा, और ऊपर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ गया है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका टिकट भी आपके मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करके आपको सारी चीज़ दिखा देते हैं, और इसको कैंसिल करके बताते हैं कि कैंसिल करने के बाद क्या पैसा अकाउंट में आता है या नहीं। तो दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको देखिए एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज बुकिंग का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि आपका टिकट कन्फर्म भी हो चुका है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए हम मैनेज बुकिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने पूरी चीज़ें दिखेंगी, और उसके बाद आपका जो टिकट है उस पर आपको क्लिक करना है। तो लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पर अब आपको ध्यान से देख लेना है सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे आप यहां पर अब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो फिर आपको कैंसिल करने का भी ऑप्शन शो करेगा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कैंसिल बुकिंग का। चलिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं कैंसिल बुकिंग का जो बटन दिख रहा है इस वाले पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये पेज आ जाएगा कैंसिल वाला। अब यहाँ पर आपको बस एक रीज़न चूज करना है कि आप यहाँ पर क्यों कैंसिल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर टाइम चूज कर लेता हूँ कि मेरा डेट और टाइम गलत हो गया है। उसके बाद वो चूज करके मैं बस सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको टोटल ₹173 चार्जेस देने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन चूज करते हो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो वहाँ पर सिर्फ आपको ₹113 कट रहा था, और आपको ₹660 पूरा रिफंड मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने नीचे वाला चूज कर दिया था, इस वजह से मुझे ₹173 काट के सिर्फ ₹490 मिल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब मुझे कन्फर्म कैंसिलेशन पर क्लिक कर देना है, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। जैसे आप यस पे करेंगे आपका ये टिकट जो है सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बताया जाता है कि ये पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा और यहाँ से आप ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, जहाँ से आपने पेमेंट किया वहीं पर ये पेमेंट रिटर्न हो जाता है, यानी कि ये पैसा वॉलेट में नहीं जाता है, डायरेक्ट ये सिंपल पे लेटर में ही रिटर्न हो जाता है, और वहाँ पर आपके बिल में सिर्फ जो चार्जेस है वो कट के वो बिल में ड्यू रह जाता है। यहाँ पर आपने देख लिया। अब चलिए मैं आपको सिंपल पे लेटर पर लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से। चलिए मैं सिंपल पे को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं कि जो ₹173.89 वहाँ पर हमारा कटा था वही यहाँ पर बिल ड्यू है, सारा पैसा रिटर्न हो गया है। मैं आपको ट्रांजेक्शन में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ₹663 का पेमेंट हुआ है, और यहाँ पर ₹490 रिफंड आया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि इसका पैसा वॉलेट में नहीं जाता है, और ये बैंक में ट्रांसफर नहीं होता है मेक माई ट्रिप के जरिए। तो आप लोग इस फ्रॉड वाले ट्रिक से बचिए, यहाँ पर इस ट्रिक को फॉलो मत करिए, आपका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली वीडियो बनाई तो मेरा ₹174 यहाँ पर खराब गया है, ये सिर्फ मैंने आपको वीडियो बना के बताया, और यहां पर मेरा ₹174 जा चुका है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा ट्रिक जो कि लीगल होगा, और वहां से आप लोग अपने सिंपल पे लेटर के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में निकाल पाएंगे। तो चलिए उसके लिए मैं लेके चलता हूं आगे के प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरा का पूरा चीज देख लिया यहां पर कि यहां पर आपका कैसे फ्रॉड हो रहा है मेक माई ट्रिप के जरिए, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपके 100% वर्क करेगा, तो वो होने वाला है यहां सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन के अंदर से ही। तो आपको ऐसे सिंपल पे लेटर ओपन कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से ओपन होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरा ड्यू भी यहाँ पर शो हो रहा है, मैंने इसको दोबारा से ओपन किया है। और यहाँ पर आने के बाद अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर नीचे बिल बॉक्स का। बिल बॉक्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फास्ट टैग का, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम फास्ट टैग का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेटीएम पेमेंट बैंक फास्टैग, और इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो फास्टैग होता है वो फोर व्हीलर गाड़ियों का होता है, तो आपको यहाँ पर अपने फोर व्हीलर का नंबर डालना है अगर आपका पेटीएम बैंक का फास्टैग बना हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ रिचार्ज पे क्लिक करना है, और आपको जितना रुपये भी अपने सिंपल पे लेटर से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसे कि मेरी लिमिट वहाँ पर अभी 3400 बची है, तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर 3000 टाइप करके रिचार्ज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो पैसा है ये मेरे पेटीएम वॉलेट में आ जाएगा। चलिए मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसका एक पहले बार निकाल रखा है बहुत दिनों पहले का ये तरीका किसी और ट्रिक पे, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके अपने पेटीएम की एप्लीकेशन पे इस तरीके से ओपन होने के बाद, और यहाँ पर हम पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर पूरा ब्लैक स्क्रीन शो हो रहा होगा, मैं पेटीएम वॉलेट का ट्रांजेक्शन खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि ये पेटीएम वॉलेट है, और यहाँ पर इसका पूरा नीचे ट्रांजेक्शन शो कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके लेके चलता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर फास्टैग वाला काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब आप वहाँ पर 3000 का या फिर जितना भी रुपये निकालेंगे पेटीएम फास्टैग में, तो कुछ इस तरीके से आपके वॉलेट में ये प्लस करके आ जाएगा।
और ये पैसा पेटीएम के फास्टैग में नहीं, पेटीएम के फास्टैग वॉलेट में आएगा, यानी कि आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मैंने 250 रुपये यहाँ पर निकाला हुआ भी है। ये वाला जो तरीका है मैंने किसी और ट्रिक के लिए फॉलो किया था, लेकिन ये भी ऐसे ही काम करता है। अभी मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पैसा निकालना नहीं है, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी आपको समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ये पैसा निकाल लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो सिंपल पे लेटर है, एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, समझाता हूँ। यहाँ पर आप जो आपको मैक्सिमम आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने गलती से 3,000 टाइप कर दिया था, लेकिन आप मैक्सिमम यहाँ पर 1,000 रुपये निकाल सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप मैक्सिमम 1,000 ही विड्रॉल कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर सिंपल पे लेटर का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप बैंक में ट्रांसफ़र करवाएं। हालांकि आप लोग इससे शॉपिंग कर सकते हैं, इसका बहुत जगह जो कि चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी आपने पीछे दिखा है मेक माई ट्रिप पे, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन जहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वो है पेटीएम का फास्टैग, और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। साथ ही में यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये निकाल सकते हैं एक बार में, और उससे ऊपर आप नहीं निकाल सकते हो पेटीएम फास्टैग के भी जरिए। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी दी है, सारी चीज़ समझा दी है कि कैसे सिंपल वे लेटर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में निकालना है, क्या इसकी रियलिटी है जो मेक माई ट्रिप वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और आपका पैसा बचेगा जो मेक माई ट्रिप वाला फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको हम यहाँ एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।